हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक जिसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट। क्या है हमारे आज के टॉपिक का नाम? सीटिंग अरेंजमेंट्स। तो हमारा पहला जो फोकस होगा वो तीन टाइप के अरेंजमेंट में होगा, सिंगल रो, डबल रो और सर्कुलर। जो बेसिक तीन टाइप का अरेंजमेंट हम लोग देखेंगे, सिंगल रो, डबल रो, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर। लीनियर मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। लीनियर मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। और सर्कल में सर्कल हो जाता है, रेक्टेंगुलर मतलब ऐसा। तो अगर इसको हम लोग ए बी सी डी बोल रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं ए डी एंड बी सी आर डायगनल्स, यस और नो? यस सर। हम लोग बोल सकते हैं ना कि ए डी एंड बी सी आर डायगनल्स। आगे बढ़े। यस सर। अब इस चैप्टर के लिए मैंने कहा था लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है और लैंग्वेज के बाद क्लू। सबसे पहले क्या इंटरप्रेट करना है? लैंग्वेज, और उसके बाद क्लू। सबसे पहला कॉपी में भी नोट डाउन करेंगे आप लोग। नंबर वन, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी। एग्जाम में सिर्फ ऐसा लिखा रहेगा, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी। इसका मतलब हम साथ साथी है। तो ए बी भी हो सकता है, बी ए भी हो सकता है। ए बी हुआ तो भी ए बी के बगल में है, बी ए हुआ तो भी ए बी के बगल में है। क्वेश्चन में क्या बोला है? ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी। राइट लेफ्ट नहीं बोला है ना? क्लियर? यस सर। नेक्स्ट लैंग्वेज पढ़ो, बी इज सिटिंग टू द राइट या लेफ्ट ऑफ ए। तो अगर ये ए है तो बी यहां भी हो सकता है, बी यहां भी हो सकता है, बी यहां भी हो सकता है। ये मैंने राइट का बताया। सिमिलरली बी यहां भी हो सकता है, बी यहां भी हो सकता है, बी यहां भी हो सकता है। ये मैंने लेफ्ट का बताया सर। सिर्फ कंस्ट्रेंट यही है ना कि राइट हो या लेफ्ट हो, स्पेस मैटर नहीं करता है। स्पेस मैटर नहीं करेगा, गैप बिटवीन ए एंड बी विल नॉट मैटर। अच्छा सर, चाहे वो गैप 10 या 15 या 20 का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस राइट लेफ्ट मैटर करेगा। इसका मतलब राइट या लेफ्ट चेक करेंगे। हाँ, राइट या लेफ्ट चेक करना है, बीच में कितना गैप है वो डिफाइंड नहीं है। अच्छा सर। नहीं देखो, राइट या लेफ्ट एग्जाम में तो कोई भी एक बोलेगा ना। एग्जाम में बोल देगा या तो राइट ऑफ ए है या तो बोल देगा लेफ्ट ऑफ ए है। ठीक है सर। अब इसके बाद वाला पढ़ो, इमीडिएट। तो ए के इमीडिएट मतलब बी, दिस इज इमीडिएट राइट। एंड अगर बी ए हो रहा है तो इमीडिएट लेफ्ट। इमीडिएट का मतलब ठीक बाद वाला, बाजू में, जस्ट बगल। देर इज नो स्पेस बिटवीन देम।
जब इमीडिएट वर्ड यूज करेगा, देयर इज नो स्पेस बिटवीन देम। ये वाला क्लियर है? यस सर। अगर डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोला है तो हम लोग नॉर्थ फेसिंग लेंगे। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द डायरेक्शन, बाय डिफॉल्ट वी विल टेक नॉर्थ फेसिंग। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द डायरेक्शन, वी विल टेक नॉर्थ फेसिंग। वी विल टेक नॉर्थ फेसिंग, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ध्यान से सुनो, मैं सवाल दे रहा हूं, तुम लोग जवाब दोगे। ए इज सेकेंड राइट टू बी, तो ये बी है, ये फर्स्ट राइट है, ये सेकेंड राइट हुआ। सेकेंड मतलब ये नहीं कि बीच में दो गैप, नहीं, बी के तुरंत बाद फर्स्ट सेकेंड। बहुत बार आपको पोजीशन डिफाइन कर देता है। बहुत बार आपको पोजीशन डिफाइन कर देता है। तो हम लोग का जो एग्जाम्पल वन है उसमें डायग्राम दिया हुआ है। चलिए सबको डायग्राम बनाइए कॉपी में, सबको डायग्राम बनाइए कॉपी में। डायग्राम बनाए आप लोग कॉपी में। हाँ सर बना लिया। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, डायग्राम पढ़ के हम लोग का अपना खुद का क्या इंटरप्रिटेशन है हम लोग वो देखेंगे। मैं बोल सकता हूं ए एन ई आर एट एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स का मतलब क्या होता है, फर्स्ट एंड द लास्ट प्लेस ए एन ई किसमें है, एक्सट्रीम्स में है, एक्सट्रीम राइट एंड एक्सट्रीम लेफ्ट, ठीक है। सी इज मिडिल मोस्ट टर्म, क्योंकि कितना पोजीशन है, एक दो तीन चार और पांच, तो बोल सकते हैं सी इज द मिडिल मोस्ट। यस और नो? यस सर। हम लोग ये भी बोल सकते हैं B is between A and C,
बोलो, ये बिटवीन वाला चीज क्लियर है? हाँ सर, अब तुम लोग जितना भी, ये तुम्हारा 23 तक फटाफट गो थ्रू करो, 1 से लेकर के 23 तक फटाफट गो थ्रू करो। किसी भी पार्ट में अगर प्रॉब्लम है तो पूछो, किसी भी पार्ट में अगर प्रॉब्लम है तो पूछो। आई हैव डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, एकदम भी हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से। आज का हम लोग का टारगेट है सिर्फ और सिर्फ बेसिक 2-3 ठो डायग्राम समझना। पूरा टाइम है अपने पास में, दोनों चीज हो सकता है। डायग्राम दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन पूछेगा, क्लू दिया हुआ रहेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा हम लोग को। वी हैव टू सेट द ऑर्डर। यू शुड नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स राइट इमीडिएट राइट एडजेसेंट बिटवीन सेकेंड लेफ्ट मतलब सेकेंड पोजीशन बोल रहा है। फ्रॉम लेफ्ट एंड मतलब स्टार्टिंग से, एंड फ्रॉम राइट एंड मतलब एंडिंग से। क्लियर है? फ्रॉम हाँ सर, क्लियर, समझ फ्रॉम में। द फ्रॉम द लेफ्ट एंड का मतलब क्या हुआ? सर एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट से, एक्सट्रीम और फ्रॉम द राइट एंड का मतलब क्या हुआ? तो राइट एंड से। हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट समझते हैं ना। हाँ सर,
जनरली तो हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है और एंडिंग पॉइंट लास्ट में, हाँ वो वाला। ये होता है, ठीक है। तो 28 तक अगर आप क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा। सर मैं क्लियर हूँ, बाकी का पता नहीं। यस ग्रुप में लिखिए, सर। चैट बॉक्स में। आपका क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट, नेबर्स। सर एडजेसेंट का मतलब बीच में क्या, कि मिडिल में, उसका उसके साइड में। बगल में? अच्छा एडजेसेंट दोनों मतलब बी के लेफ्ट में भी बोलना होगा, राइट में भी बोलने होगा। अच्छा एडजेसेंट मतलब होता है नेक्स्ट टू और क्लोज टू समथिंग। अच्छा तो यहां लिख लो, एक्सट्रीम्स का सिर्फ एक ही एडजेसेंट होगा। एक्सट्रीम्स का सिर्फ एक ही एडजेसेंट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में देखो, हम जहां थे वहीं खड़े हैं बट बाकी लोग साउथ फेसिंग में हैं। तो जब मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा हूं तो मैं अगर नॉर्थ फेसिंग हूं तो आप लोग का साउथ फेसिंग है। अगर आप लोग लैपटॉप के सामने बैठे हैं तो आप लोग मेरे को सामने से देख रहे हैं ना, तो ये मेरा राइट हैंड है। आपका राइट हैंड मेरे लेफ्ट में होगा ना? आपका राइट हैंड कौन सा है? तो अगर मैं देखूंगा आपको, मैं बोलूंगा रेज योर राइट हैंड, तो मेरे को कहां देखना पड़ेगा? अपने लेफ्ट में। आपका राइट तो मेरे लेफ्ट में होगा और आपका लेफ्ट मेरे राइट में होगा, यस और नो? यस सर। तो साउथ फेसिंग में ये लेफ्ट और राइट वाला चीज बदल जाएगा। साउथ फेसिंग में ये लेफ्ट और राइट वाला चीज बदल जाएगा।
तो इसका भी देख लीजिए। सब सेम ही है। हाउ फार इज बी टू द लेफ्ट, लेकिन आंसर में क्या बोला गया है, लेफ्ट से फोर्थ ना, तो यहां से लेफ्ट से देखेंगे। साउथ फेसिंग में राइट और लेफ्ट इंटरचेंज हो जाता है, नोट कर लो। साउथ फेसिंग में राइट और लेफ्ट इंटरचेंज हो जाता है, नोट कर लीजिए। मैं आपको 2 से 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, चलिए फटाफट एग्जाम्पल 2 ओवरव्यू कर लीजिए। डायग्राम बनाइए, कॉपी में डायग्राम बनाइए, बिना डायग्राम बनाए नहीं होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, साउथ फेसिंग में राइट और लेफ्ट बदल जाएगा। एक्चुअली ए है बी के, मैं देखूंगा तो मेरे को लगेगा बी के राइट में सी है, बट बी के हिसाब से सोचो बी के राइट में कौन है, ए है ना, राइट लेफ्ट बदल जाता है। साउथ फेसिंग में राइट लेफ्ट बदल जाएगा, क्या बोलो, क्या चीज? हाँ 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 तो पहला वाला मैं तो कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग क्या मानेंगे, नॉर्मल ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा राइट है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, ए बी सी डी ई, तो 1, 2, 3, 4, 5 जगह बना लो ऐसे। ये पहले हर सम्स का बेसिक्स है, टोटल कितना जगह है पहले वो देख लेना अपने को, टोटल कितना जगह है पहले अपने को वो देख लेना है। A is to the left of B,
ये अगर बी है तो ए यहां होगा, बट ऑन द राइट ऑफ सी डी इज टू द राइट ऑफ बी बट वन लेफ्ट ऑफ ई। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, सबसे पहले मैंने बोला आप बी बनाया, बी के लेफ्ट में ए है, लेकिन साथ साथ में बोल दिया ए सी के राइट में। अब डी बोल रहा है बी के राइट में है, लेकिन ई के तुरंत पहले है, वन लेफ्ट ऑफ वन बट वन द लेफ्ट ऑफ ई, मतलब वन लेफ्ट या वन राइट मतलब इमीडिएट होता है। तो मेरा बन गया सी ए बी डी ई, तो सी एन ई आर एट एक्सट्रीम्स, सी एन डी आर एट एक्सट्रीम्स, सी एन डी आर एट एक्सट्रीम्स। प्रॉब्लम नंबर वन क्लियर है सबको? यस यस सर। नेक्स्ट, कुछ बोला नहीं है, तो ये मेरा लेफ्ट होगा, ये मेरा राइट होगा। कितना घर है? पांच घर है, एक दो तीन चार पांच। ए इज राइट ऑफ बी, तो अगर ये बी है तो ये मेरा ए होगा, एंड ई इज लेफ्ट ऑफ सी, तो अगर ये ई है तो ये सी होगा, एंड राइट ऑफ ए, तो ये हो गया बी इज राइट ऑफ डी, तो मेरा बन गया। Which house in the middle? मैंने पूछा था ना middle most term कौन सा है, पूछा था yes or no? तो प्रॉब्लम नंबर टू वॉज बेसिकली अबाउट द मिडिल मोस्ट टर्म, तो एक्सट्रीम्स कौन सा है, मिडिल मोस्ट टर्म कौन सा है? चलिए फिर से, हैव दे सेड साउथ फेसिंग और नॉर्थ फेसिंग? कुछ बोला नहीं है, तो लेफ्ट और राइट मान लो। अब डेटा पढ़ो, पी इज टू द लेफ्ट ऑफ एम एंड राइट ऑफ ओ, तो ओ पी एम हो गया, आर इज सिटिंग टू द राइट ऑफ एन, एन आर हो गया, बट टू द लेफ्ट ऑफ ओ, तो एन आर ओ पी एम, हु इज सिटिंग इन द मिडिल? ओ। प्रॉब्लम थ्री में किसी को प्रॉब्लम है? बोलिए। नो सर। पक्का? हेडिंग दीजिए। चलिए पहले आप लोग सॉल्व कर लीजिए एक बार, चलिए फटाफट 4, 5, 6 सॉल्व करिए, कुछ प्रॉब्लम होने से बताइए मेरे को। सॉल्व प्रॉब्लम 4, 5, 6, सॉल्व प्रॉब्लम 4, 5, 6, उसके बाद हम लोग डबल रो अरेंजमेंट में जाएंगे।
सॉल्व प्रॉब्लम 4, 5, 6। चार नंबर तो नॉर्मल ही है। प्रॉब्लम नंबर 5 में स्टार बना लो, थोड़ा टेक्निकल है। ए इज ऑक्युपाइंग नेक्स्ट टू बी, इसका मतलब ए भी पॉसिबल है, बी ए भी पॉसिबल है। अब बोल रहा है सी के साथ नहीं है, तो या तो सी यहां होगा या यहां होगा। इफ सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी, तो डी यहां नहीं हो सकता, डी को यही होना पड़ेगा या डी यहां होगा। इसीलिए इसमें दो पॉसिबिलिटी आया है, जस्ट बिकॉज पहला वाला में क्या बोला था, ए इज ऑक्युपाइंग सीट नेक्स्ट टू बी। नेक्स्ट टू बी मतलब ए बी भी हो सकता है, बी ए भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और बी ए भी हो सकता है। हाँ नहीं, यहां तो क्या पूछा तुमसे, क्वेश्चन देखो ना, हु इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट एडजेसेंट टू डी, तो डी के ए है, ए है, तो आंसर ए ही होगा ना, दोनों केस में ए ही है। फर्स्ट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, and then go clue by clue. P is fourth to the right of T. अगर ये T है, 1, 2, 3, 4 नंबर में P होगा। W is fourth to the left of S. R and U ends में नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, पहले ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 जन है ना, कि 7 जन है, 8 जन है, तो पहले हम लोग ऐसे करके जगह बना लेंगे। नेबर्स ऑफ Q एंड 2 का मतलब या तो QR होगा या TU होगा
या आर क्यू यू टू, कुछ भी पॉसिबल है? क्या कहाँ दिया हुआ टी? नहीं, हम लोग तो बस खाली ये वाला केस डिस्कस किए, हम लोग तो एक एक क्लू का पैरामीटर लिख रहे। टी फर्स्ट में होगा ये कैसे पता? ये नहीं पता है हम लोग को। ये तो मैंने लिखा ना यहाँ पे टी यू यू टी, मैं तो केस डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पर, ये जो बोला है ना। W इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ P, मतलब W P जहां भी आएगा साथ में आएगा, तो W के बाद P फिक्स हो गया। एंड P इज द नेबर ऑफ Q, P इज द नेबर ऑफ Q, तो ये देखना पड़ेगा। फोर्थ टू द राइट, मतलब हम लोग गलत बनाए यहां पर, ये वाला मैं सही बनाया था, ये नीचे वाला मैं गलत बना दिया था। इट विल बी W डैश 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 S, तो ये P ये Q ये R फिक्स हो गया ना, W P R। अब T के पहले U लगा दिया हम लोग ने, तो क्या बचा अब हम लोग का? V और W ही तो बचा, V V बचा बस खाली हम लोग का शायद, तो बस T U V कर दो। और P यहां आ गया है तो T फिक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, लैंग्वेज पढ़ लेना है सबका, एक एक लैंग्वेज को पढ़ के सब क्लू को लिखना है, अल्टीमेटली मेरे को कनेक्टिंग सिचुएशन मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग इससे स्टार्ट कर सकते हैं। यहां बोल दिया हु आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स, डब्ल्यू इज नेक्स्ट टू द पी एंड पी इज द नेबर ऑफ क्यू। यही पूछा है शायद, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। टी एन एस आर एट एक्सट्रीम एंड्स, डबल रो का बहुत सिंपल है, ए के सामने कौन है डी, बी के सामने कौन है सी, के सामने कौन है ए के डायगनल में कौन है, सी के डायगनल में कौन है, डी के डायगनल में कौन है और एफ के डायगनल में कौन है। तो डबल रो अरेंजमेंट सबसे इजी है, डबल रो अरेंजमेंट सबसे इजी है, डबल रो अरेंजमेंट सबसे इजी है। चलिए कंप्लीट करिए, डायग्राम बनाना मत भूलिए। डबल रो अरेंजमेंट सबसे इजी है, इसको नेबर बोलेंगे। इसको नेबर बोला जाएगा,
ये 12 क्वेश्चन हो गया क्या सबका? यस सर। सिक्स पर्सन आर देयर, एक दो तीन चार पांच छह ऐसे बना लेगा पहले, उसके बाद बोथ द रो इन फ्रंट, क्यू इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, तो क्यू का पोजीशन क्या हो सकता है, टू या फाइव? ठीक है, पी इज द सेकेंड लेफ्ट ऑफ आर, पी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, इसका मतलब पी डैश आर, ये या तो एक दो तीन का कहानी है या चार पांच छह का कहानी है, ठीक है, सेकेंड लेफ्ट बोला है ना, मतलब आर एंड पी एक्सट्रीम्स में है, या तो वन एंड थ्री में या फोर एंड सिक्स में है। ओ इज द नेबर ऑफ क्यू, ओ इज द नेबर ऑफ क्यू, इसका मतलब रुक जाओ, ओ इज द नेबर ऑफ क्यू मतलब पी और आर के बीच में क्यू नहीं है, कि अगर P और R के बीच में Q होता तो O नेबर हो ही नहीं सकता था, एंड डायगनली ऑपोजिट टू P, तो अब हम बैठाना पुट करेंगे, तो अगर ये मेरा P है तो दिस इज Q, दिस इज O, दिस इज Q, दिस इज R, N इज द नेबर ऑफ R, बच गया खाली M, डायग्राम बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हु इज इन द फ्रंट ऑफ एन, क्यू, हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एम, क्यू, हु इज द सेकेंड राइट ऑफ एम, ओ, हु इज द नेबर ऑफ एम, क्यू, हु इज सिटिंग डायगनली ऑपोजिट टू एम, आर, Who are the neighbors of Q? M and O. Who is sitting in the middle of rows? Q and N. Who are adjacent to Q? M and O. ठीक है? Eight percent है. एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, चलिए बनाइए कॉपी में ऐसे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ बनाया कॉपी में, क्वेश्चन पढ़ो, पी इज बिटवीन यू एंड वी एंड फेसिंग नॉर्थ, मतलब ये नॉर्थ फेसिंग वाला हुआ और ये साउथ फेसिंग वाला हुआ, तो यहां पर पी यू वी तो फिक्स हो गया, क्यू इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, तो क्यू एम फिक्स हो गया, क्यू हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम is facing W, तो Q के नीचे W आएगा, Q के नीचे W आएगा, R is between T and M, R is between T and M, तो ये होगा, एंड W इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ V, बन गया, T R M Q, क्या हुआ क्या नहीं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है तो बनाए थे Q M R T W V P U, W
वीपीयू, ठीक ही तो है, सही बनाए थे हम। क्यूएमआरटी तो बना ही लिए थे हम लोग, यहां पर वीपीयू तो लिखे ही थे हम लोग, यू पीवी और डब्ल्यू ना, तो ये उल्टा जाएगा, डब्ल्यू वीपीयू क्यूएमआरटी। सारा कंडीशन को एनालाइज करके, क्योंकि ये बात तो क्लियर है, रो वन इज साउथ फेसिंग एंड रो टू इज नॉर्थ फेसिंग, आमने सामने खड़े हैं ना, तो क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है, आर के सामने कौन है, पी, आर के राइट में कौन है, टी, एम और वी पेयर्स है आमने सामने, डायगनली ऑपोजिट कौन है, क्यू और यू और टी और डब्ल्यू, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू वी, सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू आर, ठीक है, यहां लिख लो पेज नंबर 3.8 तक आज का क्लास, रिवाइज वंस अगेन, नोट कर लीजिए आप लोग, कल हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट से स्टार्ट करेंगे, नोट कर लीजिए पेज नंबर 3.8 तक होमवर्क है, और अनसॉल्व्ड का सेट वन इज द होमवर्क, अनसॉल्व का सेट वन इज द होमवर्क, ग्रुप में भी कोई लिख दीजिए, टुडे वी हैव डन टिल पेज नंबर 3.8, टुडे वी हैव डन टिल पेज नंबर 3.8 एंड अनसॉल्व सेट वन इज द होमवर्क, ठीक है, यस यस सर।